देश में इन दिनों एक ही नाम की चर्चा है, वो नाम है पाकिस्तान की सीमा हैदर का। सचिन के प्यार की दीवानी सीमा हैदर सरहद पार पर भारत आ गई। पाकिस्तान के कराची की रहने वाली सीमा हैदर अवैध तरीके से बिना वीजा के नेपाल के रास्ते भारत पहुंची, वो भी अकेले नहीं अपने 4 बच्चों के साथ। इस वजह से सीमा हैदर फिलहाल चर्चा में है। इसके साथ ही ये बात भी चर्चा में आ गई है कि आखिर कैसे नेपाल का बॉर्डर आतंकवादियों से लेकर घुसपैठियों के लिए भारत में घुसने का आसान रास्ता बना हुआ है। अमेरिका ने 2018 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें दावा किया गया कि नेपाल का बॉर्डर अभी भारत में एंट्री के लिए जासूसों का पसंदीदा रास्ता बन चुका है। बीते दिनों जब खालिस्तान समर्थक अमृतपाल फरार चल रहा था, तब भी ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि शायद वो नेपाल भाग गया हो। एक और अमेरिकी रिपोर्ट भी बताती है कि भारत के खिलाफ जो भी चरमपंथी ताकतें काम कर रही होती हैं, वो आने जाने के लिए नेपाल के रास्ते का ही इस्तेमाल करती हैं। भारत से नेपाल आने और जाने के लिए किसी पासपोर्ट वीजा की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन भारत से नेपाल जाने वालों के लिए एक परमिट जरूरी होता है जिसे भंसार परमिट कहा जाता है। भारत से अक्सर जो लोग नेपाल जाते हैं वो अपनी बाइक या कार के लिए परमिट बनवाते हैं, लेकिन अक्सर लोग सुरक्षा को चकमा देकर नेपाल चले जाते हैं। लेकिन अगर आप नेपाल बस ट्रेन फ्लाइट या नेपाल बॉर्डर ऐसे ही पार करें और नेपाली वाहन से जाएं, तो इस परमिट की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में नेपाल से कोई भी चकमा देकर भारत में घुस सकता है। इसी का फायदा उठाकर सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत में घुसी। पाकिस्तान की सीमा हैदर ने खुद बताया कि वो नेपाल के रास्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी टैक्सी और फिर नेपाल के रास्ते बस के जरिए दिल्ली तक पहुंची और फिर वहां से सचिन के घर ग्रेटर नोएडा आई। ऐसे में साफ दिख रहा है कि कैसे लोग नेपाल बॉर्डर का इस्तेमाल भारत में घुसने के लिए कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा खतरा जासूसों और आतंकवादियों की घुसपैठ से है। भारत और नेपाल के बीच इतना लंबा खुला बॉर्डर है कि आतंकी उसका फायदा उठा लेते हैं। पाकिस्तानी आतंकी भी नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश करते हैं। ऐसे में भारत को नेपाल बॉर्डर पर विशेष निगरानी की जरूरत है, क्योंकि सीमा हैदर ने खुद बताया कि नेपाल से लेकर भारत बॉर्डर तक उसकी सिर्फ एक जगह चेकिंग हुई जिसे उसने आसानी से चकमा दे दिया। ये बात देश की सुरक्षा एजेंसियों पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।